अवहेलना हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात रखना चाहता है, तो वो माननीय स्पीकर साहब उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। महामहिम राज्यपाल ही विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाता है, वो खुद यहाँ पर अभिभाषण देता है। इस परंपरा को भी इसकी बार तोड़ा गया है, हमें एतराज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे से कम ये जो परंपराएं आज या कल जितनी भी टूटी हैं ये नहीं टूटें। आप एक सम्मान दृष्टि से देखेंगे तो सत्ता पक्ष को भी हम सहयोग देंगे, क्योंकि जो सरकार बन गई वो 5 साल के लिए राजस्थान की जनता ने चुनी है। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। स्पीकर का राजस्थान की विधानसभा में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। स्पीकर जो नियम प्रक्रिया जो परंपरा जो चली आ रही हैं उनका निर्वहन करवाता है, और विशेष रूप से सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्पीकर हमेशा विपक्ष के प्रति बहुत लिबरल रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास में केवल एक हथियार होता है कि वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई सुझाव देना हो या उसमें कोई कमी खामी हो या अपने अधिकारों की कहीं कोई अवहेलना हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात रखना चाहता है, तो वो माननीय स्पीकर साहब उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे भी सबको साथ लेकर के चलने वाला आपका स्वभाव रहा है, हमने देखा है। आप शिक्षा मंत्री के रूप में भी जब थे तो आपके पास जो भी जाता था तो आप सबको सम्मान देते थे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा माननीय स्पीकर साहब, आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज़्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। परंपराएं थोड़ी सी टूटी हैं या आगे नहीं टूटे, महामहिम राज्यपाल ही विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाता है, वो खुद यहाँ पर अभिभाषण देता है। इस परंपरा को भी इसकी बार तोड़ा गया है, हमें एतराज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे से कम ये जो परंपराएं आज या कल जितनी भी टूटी हैं ये नहीं टूटें, और ये सदन सार्थक चर्चा के साथ में राजस्थान की जनता के मुद्दों पर चर्चा हो और जो मंथन हो उसमें से अमृत निकले और राजस्थान की जनता की हम किस प्रकार से सेवा कर सके, पक्ष और विपक्ष मिलकर के ये हम लोग भी प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आप एक सम्मान दृष्टि से देखेंगे तो सत्ता पक्ष को भी हम सहयोग देंगे, क्योंकि जो सरकार बन गई वो 5 साल के लिए राजस्थान की जनता ने चुनी है, वो जो अच्छा काम करेगी उसको मेज थपथपा के स्वागत करेंगे। अगर कोई कमी खामी हमें लगेगी तो हम आपके माध्यम से सरकार तक, मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक हम बताने का चेष्टा करेंगे। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ में आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।